everybody, it's your boy Jigar Vlogs. Welcome back to the new video. So dude, जिसका time था सब लोग मैंने जब post किया था सब लोग ने मुझे DM किया था कि इसके ऊपर video चाहिए. So dude, आज वो घड़ी आ चुकी है and आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, so मैं अभी आपको एक छोटा सा walk around लेता था और ये possible हुआ है वो मेरे भाई की वजह से और उसको बुलाता हूँ. प्रेम, सो गाइज ये पॉसिबल हुआ है प्रेम की वजह से एंड बिग थैंक यू टू प्रेम. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे नहीं, ये बाइक एक्चुअली बिलोंग करती है रौनक, रौनक भाई उनका नाम है, उनका भी यूट्यूब पे चैनल है व्लॉग्स विद रौनक, तो जाके सब्सक्राइब कर लेना. एंड गाइज अभी आप मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ. सो गाइज ये है 2017 की ट्रायम्फ डेटोना 675R एंड ये कुछ 8000 समथिंग किलोमीटर ही चली है, 9000 हो गए मतलब ये बीच में संडे को राइड पे गए तो सो हो गया. एंड गाइस इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे SC प्रोजेक्ट कार्बन फाइबर CRT एग्जस्ट लगा हुआ है. एंड गाइस मतलब इसके अंदर काफ़ी अच्छे से अच्छे एक्सेसरीज यहाँ पे लगाई गई है और यहाँ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कार्बन फाइबर पूरा फिनिश है आप देख सकते हो. और गाइस इसके अंदर BMC का रेस एयर फिल्टर भी है एंड यहाँ पे रेडिएटर गार्ड वगैरह ये भी पूरा कार्बन फाइबर फाइबर फिनिश है आप देख सकते हो इसके अंदर. और ये गाइस ट्रांसपेरेंट टैंक पैड फॉर द पैटक ग्रिप. एंड गाइस मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की ये लगी, इसकी टेल टाइडी आप देख सकते हो कितनी छोटी से नंबर प्लेट है लेकिन कितना कूल लग रही है. अभी बाकी का वॉक अराउंड प्रेम भाई का कंप्लीट करेंगे. सो प्रेम भाई प्लीज. सो गाइस ये बाइक का नाम है ट्रायम्फ डेटोना 675R 2017 की बाइक है और इसका ओरिजिनल कलर व्हाइट है बट इसको कस्टम पेंट किया है येलो और ग्रीन के हिसाब से. गाइस ये बाइक में लगा है SC प्रोजेक्ट का कैन, फिर इसमें आता है पिरेली के सुपर कोसा टायर है, बहुत ही रेसिंग टायर है, बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी. फिर अगर इसमें देखते हैं तो इंटीग्रेटेड टेल लाइट है जो इसमें लाइट राइट लेफ्ट का भी इसमें ही होता है, सब कुछ इसमें ही है. और इसमें कार्बन फाइबर पार्ट्स है, बाइक पूरा लोडेड है, इसमें कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं. एक बार आपको इसका साउंड सुना देता हूँ. ये ऐसे स्पोर्ट्स बाइक है तो इसमें क्विक शिफ्टर के बिना काम तो मतलब ना के बराबर है, तो इसमें क्विक शिफ्टर लगाए आप देख सकते हो. ट्रायम्फ का जेन्युइन क्विक शिफ्टर है यहाँ पे और इसमें अप डाउन दोनों है, मतलब अप शिफ्ट भी और डाउन शिफ्ट भी, तो जब पुल करते हैं बाइक को तब बहुत मज़ा आता है बाइक को खींचने में और नीचे लाने में. बताता हूँ इसको ऑन करके, मुझे पता है आप लोग कब से यही वेट कर रहे होंगे इसका साउंड सुना, तो इसका साउंड कैसा है मैं आपको सुनाता हूँ. Thank you.
गाइस जैसे कि देखा आपने इसके इस एग्जस्ट का साउंड वाकई में बॉम है। एंड डूड आपको इसके ऊपर और भी वीडियोस चाहिए तो जाके कमेंट में बताओ यार, मुझे पता कैसे चलेगा। सो जाके कमेंट करो एंड मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाके फॉलो कर लेना। एंड डूड ये बाइक लिटरली बॉम है एंड मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और एक चीज़, मैं इसको बाहर नहीं लेके जा सकता क्योंकि बिकॉज मैंने हेलमेट लेना भूल गया हूँ। सो डूड आपको अगर इसके ऊपर और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में करना। एंड डूड कॉप्स बाहर बहुत परेशान करते हैं खासकर ऐसी बाइक से, और एग्जस्ट की साउंड सुन के आ जाते हैं। सो डूड फाइनली मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं सीधे अगले ब्लॉग में। टिल दैट टाइम टेक द बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। और एक बार मुझे बता देना कि आपको कौन से ऊपर ब्लॉग्स चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, हॉन्टेड पे चाहिए या फिर कहीं पे जाके एक्सप्लोर करो या फिर कहीं और कुछ। सो जाके मुझे कमेंट में बता देना या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर देना। सो डूड फाइनली मेरी जो खाई सी बाइक को चलाने गई सो वो तो पूरी हो गई। एंड डूड सीधे मिलते हैं सीधे अगले ब्लॉग में। टिल दैट टाइम टेक द बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। और जो भी व्यूवर्स नया है जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना भाई, डूड जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड बाय।